हेलो फ्रेंड्स, ये है गोकुल। गोकुल में कौन सी जगह है पता है? ये है रमन रेती। जब मथुरा जाते हैं ना, तो राइट साइड से गोकुल जाने के लिए एक कट होता है, वहाँ से जाते हैं रमन रेती। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे एक मंदिर है श्री कृष्ण भगवान जी का। मथुरा में तो कृष्ण जी के ही मंदिर होते हैं, तो यहाँ पे भी ये जो दिख रहा है ना, ये वाला मंदिर है। और छोटे छोटे आश्रम बने हुए हैं, यहाँ पे लोग रहते भी हैं। मतलब जो वो जो होते हैं ना संत महात्मा जी, वो लोग रहते हैं इनमें, इन कॉटेज, जो छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं ना, इसमें वो लोग रहते हैं ये। और यहाँ का एनवायरनमेंट जो है ना, वो बहुत ही बहुत ज़्यादा पीसफुल है। और मतलब यहाँ पे नीचे ना पूरा रेत रेत है, जिसमें सारे लोग खेलते हैं। मतलब छोटे बड़े बच्चे सब सब लोग खेलते हैं और इंजॉय करते हैं। बहुत अच्छी जगह है। अगर आप आते हो यहाँ पे कभी मथुरा घूमने के लिए, तो आप यहाँ पे भी घूमने के लिए जा सकते हो। अभी देखो ना, क्या क्या बच्चे क्या बड़े सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। बस हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया, रेत में खेला भी, दर्शन भी किए, और बहुत बहुत मज़ा आया। मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में तो नहीं इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि रेत है, रेत शायद गर्म भी होती होगी। पर हम जब गए थे उस टाइम पे गर्मी नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे खेलने में। तो आप ब्लॉग को देखिए और एंजॉय कीजिए। और अगर कभी भी आपका आना होता है मथुरा वृंदावन घूमने के लिए, तो एक बार गोकुल भी ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये भी कृष्ण जी की ही भूमि है। तो यहाँ पे भी जाओगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। जैसा मथुरा वृंदावन में लगता है, वैसा ही आपको यहाँ पे लगेगा, और शायद ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे ना उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है जैसे वृंदावन में होती है ना, उतनी भीड़ नहीं होती है यहाँ पे। तो आप एक बार आइएगा ज़रूर और घूमिएगा ज़रूर। हाय।